नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म के बारे में कि आखिर गॉडजिला ने कॉन्ग को छोड़ क्यों दिया था, जबकि कॉन्ग हार मानने को बिल्कुल रेडी नहीं था। गॉडजिला के पास पूरा मौका था कॉन्ग को मारने का, जब गॉडजिला ने उसे पैरों के नीचे दबा लिया था, फिर भी गॉडजिला ने उसे छोड़ क्यों दिया? क्योंकि गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है और जो भी टाइटन उसके सामने सर नहीं झुकाएगा वो उसे अपनी बेइज्जती समझ सकता है और उसे मार सकता है। ऐसा ही कुछ हमने किंग ऑफ द मॉन्स्टर फिल्म में भी देखा था, जिसमें गिडोरा को मारने के बाद वो किंग ऑफ द मॉन्स्टर बना, जिसके सामने बचे हुए टाइटन्स अपना सर झुकाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि गॉडजिला ने कॉन्ग को क्यों नहीं मारा। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला एपेक्स फैसिलिटी पे अटैक करता है, क्योंकि वहां वो लोग एक टाइटन को बना रहे थे, जिसे हमने इस फिल्म के एंड में देखा था। और गॉडजिला इस पूरी फिल्म में कभी भी कॉन्ग के पीछे नहीं था, वो बस मेका गॉडजिला और एपेक्स इंडस्ट्री के पीछे था। कॉन्ग तो बार बार बस उसके रस्ते में आ रहा था। कॉन्ग भी एक नेचुरल क्रीचर है जो नेचुरली बॉर्न हुआ था और इसीलिए वो नेचुरल ऑर्डर का हिस्सा था। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि गॉडजिला ने म्यूटोज को क्यों मारा, तो इसका जवाब है कि म्यूटोज पैरासाइट्स थे जो दुनिया में अपनी पॉपुलेशन को बहुत जल्दी बढ़ा के अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए गॉडजिला उनको मारता है। रही बात गिडोरा की, तो वो एक एलियन क्रीचर था जो अर्थ को कॉन्कर करने आया था, इसीलिए गॉडजिला गिडोरा को मार देता है। लेकिन गॉडजिला का कोई इंटरेस्ट नहीं है कॉन्ग को मारने में, क्योंकि वो इसी दुनिया का हिस्सा है और कॉन्ग बेवजह किसी को परेशान भी नहीं करता। तो अब आ जाते हैं उसी सवाल पे जिसके बारे में ये वीडियो है। जब गॉडजिला कॉन्ग को हरा देता है, तब गॉडजिला कॉन्ग को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए उसके सामने दहाड़ता है, ताकि कॉन्ग सरेंडर कर दे और उसके रूल को चैलेंज ना करे। लेकिन कॉन्ग ने भी उसे दहाड़ के जवाब दिया और दिखाया कि वो किसी के आगे नहीं झुकता। लेकिन गॉडजिला कॉन्ग की रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो पीछे नहीं हटता और गॉडजिला जानता है कि वो जीत चुका है और उसने अपने किंग ऑफ द मॉन्स्टर टाइटल को एक बार फिर सिक्योर कर लिया है, और ये टाइटल कॉन्ग को कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो हार चुका है। तो गॉडजिला ने कॉन्ग को मारना जरूरी नहीं समझा, और जैसा मैंने पहले बताया, इस पूरी फिल्म के दौरान गॉडजिला कॉन्ग के पीछे नहीं था, बल्कि उसका मकसद मेका गॉडजिला और एपेक्स था। कॉन्ग उसके रास्ते में आ गया था। इसके बाद एक सवाल और आता है कि गॉडजिला मेका गॉडजिला के सामने इतना वीक क्यों लग रहा था, जिसका जवाब सिंपल सा है। गॉडजिला ने हाल ही में कॉन्ग के साथ लड़ाई की थी, जिसकी वजह से वो बहुत थक गया था, क्योंकि कॉन्ग ने गॉडजिला को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। कॉन्ग जैसे टाइटन से फाइट करने के बाद गॉडजिला एक दूसरे एनिमी जो पावर लेवल्स में बिल्कुल गॉडजिला के बराबर है, उससे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। अगर गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट से पहले मेका गॉडजिला उसके सामने आता, तो गॉडजिला उसे बराबर की टक्कर दे सकता था, लेकिन इस टाइम वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड था और बस वो मेका गॉडजिला के अटैक्स को सर्वाइव ही कर रहा था। लेकिन जिसके बाद हमने देखा कि कॉन्ग उसकी हेल्प करता है और वो दोनों मिलकर मेका गॉडजिला को हरा देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।